वाहे गुरु आवे साहिब चित तेरिया भगता डिठिया मन की कटिए मैल साध संग बुठिया जमन मरण ना तिन को जो हर लड़ लागे जीवत से परवान होए हर कीर्तन जागे साध संग जिन पाया से बड़ भागे मित्र साडड़े से मित्र साडड़े से मित्र साडड़े से मित्र साडड़े से जिन्ना संगिया दुर्मत वंजे सुख तेरे कोई न जाने तुम्हारा
पटना श्री भगवती जी सहाय सवार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरत गुरु नानक लेंगे फिर अंगद करते अमरदास रामदास हरि सहाय अर्जुन हर गोविंद नो सिमरा श्री हर राय श्री हर कृष्ण की ध्याई है जिस जिसे सब बजाय तेग बहादुर सिमरी है कर नानक दावताय सब थाई होना जी सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह सर जी महाराज सब थाई होना जी सहाय दसवें पातशाहियां दी आत्मक जोत जुगो जुग अटाले चवर तक शकर जी दे मालक जाहिरा जहूर हाजरा हजूर सर्व कलाम भरपूर बाणी के पुरोहित कल जुग के जहाज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पार दर्शन जी दार दा ढंग करके बोलना जी हे निमाण्यां दे माण निताण्यां दे ताण निवट्यां दी ओट न्यासियां दे आस सच्चे पिता अकाल पुरख साहिब जी धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप दे हजूर अरदास बेनती जोड़ी सतगुरु जी धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सतगुरु जी आप जी इस नगर के आने की खुशी के सतगुरु जी आप जी की कृपा रहमत सदका संगत ने सतगुरु जी महान दफ्तर समागम किए सतगुरु जी आप जी ने अपना मेहर प्रसर से रख के जो सतगुरु जी दफ्तर समागम सतगुरु जी अंग संग हो के सहाई हो सतगुरु जी आप जी संगत सिर से मेहर रखा सतगुरु जी जिस तरह आप जी 18 जेठ वाले दिन सत्ते पातशाह जी उस दा श्री दमदमा साहब तो चल के इस नगर तक फतेह सिंह वाला वैष्णो विखे पहुंचे सतगुरु जी तो 8 दिन के महान समागम तो बाद सतगुरु जी आप जी उस तरह जिस तरह 300 साल पहला सतगुरु जी आप जी इस नगर तो तक श्री दमदमा साहब राजे सन सतगुरु जी सर उस ही तरह सतगुरु जी आप जी की सोहनी पालकी तैयार है सतगुरु जी आप जी पालकी के सजे हो सतगुरु जी आप जी तख श्री दमदमा साहब वालों चाले पाने की आग्ञा बख्शो जी रास्ते में अंग संग होके सहाई होना सतगुरु जी अंग संग होके सहाई होना सही तारे मिल जिन्हें मिले आप जी का गुरु का नाम चिता वह नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत दा भला बोले सो निहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहे गुरु वाहे गुरु साहिब जी फिरत फिरत प्रभ आया परिया तो शरणाई
नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। दीन दर्द दुख पंजना घट घट नाथ उनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रवसार। मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी मैं तुझे आगे अरदास मैं हुर थाओ नागी जिस पैगे करो बेनती मेरा दुख सुख तुदरी पास मेरा दुख सुख तुदरी नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह तेज दी मनजूर गुरु गोबिंद सिंह तेज दी मनजूर गुरु गोबिंद सिंह नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह तेज दी मनजूर गुरु गोबिंद सिंह तेज दी मनजूर गुरु गोबिंद सिंह हक राग जोर गुरु गोबिंद सिंह हक राग जोर गुरु गोबिंद सिंह जुमला भेज नूर गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैज नूर गुरु गोबिंद सिंह नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह तेज दी मनजूर गुरु गोबिंद सिंह नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह तेज दी मनजूर गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह हक हक आगा गुरु गोबिंद सिंह साहे
गोबिंद सिंह सागे सहन सा गुरु गोबिंद सिंह नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह तेज दी मनसूर गुरु गोबिंद सिंह नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह तेज दी मनसूर गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह भरत आलम शाह गुरु गोबिंद सिंह खसम राजा का गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह खसम राजा का गुरु गोबिंद सिंह नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह तेज दी मनजूर गुरु गोबिंद सिंह नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह तेज दी मनजूर गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह पाए जुल अनवार गुरु गोबिंद सिंह ताश फुल असरार गुरु गोबिंद सिंह गुरु गोबिंद सिंह काश फुल असरार गुरु गोबिंद सिंह नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह तेज दी मनसूर गुरु गोबिंद सिंह नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह तेज दी मनसूर गुरु गोबिंद सिंह
न्यास तार गुरु गोबिंद सिंह आनमुल अस तार गुरु गोबिंद सिंह बार गुरु गोबिंद सिंह नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह तेज दी मनसूर गुरु गोबिंद सिंह नासरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह तेज दी मनसूर गुरु गोबिंद सिंह मनजूर गुरु गोबिंद सिंह तेज दी मनजूर गुरु गोबिंद सिंह वाहिगुरु जी सुन सुन जीवा तेरी बाणी गावी है सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी उन्हां दा पावन शब्द पढ़ के आपां हाजरी लवाई जिन्हां ने किस स्थान ते माता देसा जी नूं दर्शन दारे दे के निहाल कीता नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह तो हुण आपां शब्द पढ़ना सुन सुन जीवन तेरी बाणी तो जिस तरह गुरबाणी का फरमान है गुरमुखां दी निशानी है रब दे प्यारे नाम जपन वाले सेवा वाले सिमरन वाले तो जिथे साध संगत साडे शरीर नूं कपड़े दी लोड़ आ भोजन दी लोड़ आ उत्थे आत्मा दी खुराक आ ओह नाम आ तो साहिबां ने बाणी विच समझाउणा कीता है कि मन का तोसा हर नाम है तोसा हुंदा खुराक जिस तरह सानू जीवन वास्ते भोजन चाहिदा पहनन वास्ते कपड़े रहन वास्ते मकान चाहिदा इस तरह जिहड़ी साडी आत्मा तो सतगुरु जी की बाणी कहिंदी है भाई आत्मा की जिहड़ी खुराक आ उह नाम आ आत्मा नाम दे नाल तृप्त हो सकती है तो आपां शब्द पढ़ना कि सुन सुन जीवन तेरी बाणी गुरमुखां की निशानी है कि बाणी सुनदे आ आखां जीवां उन्हां दी निसारी है कहिंदे जी असीं वाहिगुरु कहने आ तां असीं जिउणे आ नहीं साडा जिउण नहीं वाहिगुरु तो बिना तो माता देसा जी दिन रात सतगुरां दे अगे अरदास बेनतियां जोधनियां करदे सी तो सतगुरां ने फिर दर्शन दारे दित्ते निहाल हो गए दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के दर्शन करके उन्होंने नाम नूं आधार बनाया अपने जीवन का आका मन का तोसा हर नाम है जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा जिन्हों दर्शना की प्यास लगी है दर्श तेरे की प्यास मन लागी तो माता जी ने तो दर्शना की प्यास लगी सी तो दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कृपा करके उन्होंने दर्शन दारे बख्शिश करके उन्होंने ये प्यास बुझाई तो साहबा की बाणी का फरमान के जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा जिन्हों प्यास लगी है भाई दर्शना की जिहड़ा कहिंदा मैनूं चार पदार्थ मिल जाण ओह भी सतसंगत विचों मिलने आ सेवा सिमरन करके कोई चाहुंदा मेरी वडियाई होवे ओह भी इत्थों मिलणी आ कोई चाहुंदा भी मेरा भयानक तों भयानक रोग दूर हो जावे ते सतगुर कहिंदे भाई ओह रोग भी तेरे सतसंगत विच आया प्रेम दे नाल संगत विच बैठे आ सेवा करदे आ बाणी पढ़दे आ सुणदे आ दूर होणे आ तो जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा वह कोई बिरला होंदा जिहड़ा गुरु तो दर्शन मंगदा माता जी ने दर्शन मंगे माता देसा जी ने जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताके बलबल जासा गुरु कहिंदा भी जिहड़ा मेरे दर्शन मंगदा हुण आपां चार पदार्थ सारे मंगदे आ गुरु कोलों माया मंगदे हाँ पहनण लई कपड़ा खाण लई भोजन मंगदे हाँ पर गुरमुख रब दे प्यारे बिरले आ जिहड़े कहिंदे महाराज दर्शन दारे चाहीदे आ जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा जिन्हों दर्शनों की प्यासा
सतगुरु कहते नानक ताके बल बल जासा सतगुरु के उस तो बलिहार जाने उदो तो सदके जाने जिहड़े जिहड़ा साडे दर्शन मंगदा तो सतगुरु जी सुन सुन जीवा तेरी बाणी 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 सुन सुन जीवा तेरी वाणी अरदास करी प्रभे अपने आगे अरदास करी प्रभे अपने आगे सुन सुन जीवा तेरी वाणी मेरे साग मेरे साग मेरे साहिबा तू मैं माल मानी तू मैं माल मानी सुन सुन जीवा तेरी बाणी सुन सुन जीवा तेरी बाणी सुन सुन जीवा तेरी बाणी सुन सुन जीवा तेरी बाणी
ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਲਾਈਵ ਚੱਲੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਾ ਅੰਤ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਈ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ
अमृत बचना हृदय उतारी तो कृपा संग पाई तो कृपा के संग पाई अरदास करी प्रभु अपने आ गए सुन जीवा तेरी बाणी सुन 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 सुन जीवा तेरी बाणी सास सास नानक आराधे सास सास नानक आराधे अरदास करी प्रभु अपने आ गए 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 सुन सुन जीवा तेरी बाणी 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 वाहे जी वाहे गुरु आवे साहिब चित तेरिया भगता डिठिया मन की कटिए मैल साध संग बुठिया जमन मरण ना तिन को जो हर लड़ लागे जीवत से परवान होए हर कीर्तन जागे साध संग जिन पाया से बड़ भागे मित्र साडड़े से
ਮਿਤਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਫੇਰੀ ਮਿਤਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਫੇਰੀ ਮਿਤਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਫੇਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਦੀਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਜੇ ਗੁਰਮਤ ਵੰਜੈ ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਨ ਸ਼ਬਦ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਠ ਰੂਪ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਖਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਲਾਹਾ ਲਈਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਆਗਿਆ ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾਂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਾਈ ਦੇਸਾਂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇਸਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਜੀਆ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ ਤੁਮਾਰਾ ਥੀਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜੋੜੀਏ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ ਜੀਆ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ ਤੁਮਾਰਾ ਥੀਆ
मिलो प्यारे जिया, रब किया तुम्हारा तिया, 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 मिलो प्यारे जिया, रब किया तुम्हारा तिया, मिलो प्यारे जिया, रब किया तुम्हारा तिया। तुम्हारा
विनो सुनो तुम प्राण भक्त प्यारे कृपा निखिल दयाला रात हो पिता प्रभ मेरे अनाथ कर प्रत पाला प्रभ किया तुम्हारा दिया प्रभ किया तुम्हारा दिया प्रभ किया तुम्हारा दिया मिला प्यारे दिया प्रभ किया तुम्हारा दिया मिला प्यारे जिया प्रभ किया तुम्हारा दिया संतन की ओर देहो संतन की नानक दास यह सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे कर कृपा तूर देहो संतन की ऐसी कृपा मोहे करो
ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੈ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰੀ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿਖੜਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੈਂਤੀ ਲੇਖੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗ ਵਾਲਾ ਕਮਰ ਕਸਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਦਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਮਰ ਕਸਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿਆ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਮਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਇ ਵਾਰ ਦੀ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮੂਹੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਪਿਆ ਜੀਵ ਨਿਕਲੀ ਦੀ ਯਾਰ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਸਤਿਗੁਰੀ ਪਾਠ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡੋੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੰਗਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੜ ਨਾਲ ਆਖੂ ਬੁੜਾ ਬੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੰਢੀਆਂ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਹੱਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਮਨਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਹੱਲਾ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਹੱਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੂਹ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਭੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਫਤਸੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।